फ्रेंड्स, ये तीसरी वीडियो है। दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ PYQ सीरीज। और इस PYQ सीरीज में हम लोग फिर से लॉजिकल एनालिसिस, अपना एलिमिनेशन टेक्निक जिसको कुछ लोग बोलते हैं, एंड फ्यू से इट एज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कॉमन सेंस। व्हाट आई से इज़ ये एक तरीके का आपका लॉजिकल प्लस कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग का, इट इज़ अ ब्लेंड ब्लेंड ऑफ बोथ। सो हमने पहले क्वेश्चंस देखे, काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं हम। 33 तक हो चुका था। आज हम कोशिश करेंगे इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो 34th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन पेपर 2022 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। अब ऑप्शन क्या है? अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इन टू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस। अब इसमें कहीं ऑर्बिट का जिक्र नहीं है। फ्रैक्शनल ऑर्बिट इज द की वर्ड एयर। बॉम्बार्डमेंट भी होना चाहिए एंड फ्रैक्शनल ऑर्बिट भी। तो ऑर्बिट इज नोवेयर मैंशनड इन दिस। सेकेंड ऑप्शन है, अ स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लानट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, ऑर्बिट का जिक्र है पर बॉम्बार्डमेंट सिस्टम तो कहीं भी नहीं आ रहा है इसमें। ओके, देर इज नो वेयर मेंशन ऑफ बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। टारगेट आ रहा है यहाँ पे। वेन देर इज अ टारगेट देन बॉम्बार्डमेंट एंड टारगेट देर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। देन स्टेबल ऑर्बिट से ये चेंज करके डी ऑर्बिट भी हो रहा है। यहाँ पे जो ये कीवर्ड है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल, ऑर्बिट को चेंज करना मतलब एक स्टेबल ऑर्बिट में डी ऑर्बिट होकर टारगेट को किल करना फिर से ऑर्बिट में वापस आना। ये चाइना ने बेसिकली हैज टेस्टेड दिस। तो ये बोथ द कीवर्ड्स आर बीइंग सेटिस्फाइड इन द ऑप्शन सी एंड दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। विदाउट exactly knowing the correct answer we can arrive at the correct answer using the logical analysis. Now the question 35 we will see. Which one of the following is the in the context in which the term qubit is mentioned? Ek to this the framing of question is not good in by UPSC in this paper. A option is cloud services, B is quantum computing, C is visible light communication technology, D is wireless communication technologies. Now we have four options. Qubit, bit is related to computers. That we know, bit is related to computers. Visible light communication technology has nothing to do with bits. Wireless communication technology nothing to do with the computers. Now cloud services and quantum computing. In this qubit, you can find the correlation that it is something to do with quantum mechanics, quantum technology rather than cloud services. So just based on this name you can arrive at the correct answer. Question number 36. Consider the following communication technologies. First is closed circuit television, that is CCTV. Second is radio frequency identification, RFID. Third is wireless local area network. Now question is asking, which of the above are considered short range devices technology? Short range devices technology. अब RFID we know, RFID fastags में लगा होता है, हल्का सा भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो fastag जो है cannot detect that. RFID तो 100% if you have seen tolls etc. you would know, उसके लिए close contact होना जरूरी है. So that is why short range device technology जो है that is accurate. ये तो होगा ही होगा. अब थर्ड ऑप्शन के तो नाम में ही लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क नेटवर्क जब नाम ही है तो ये भी शॉर्ट रेंज डिवाइस होना ही चाहिए. अब वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड डी, क्योंकि ए भी रिमूव हो गया, सी भी रिमूव हो गया, बिकॉज दिस बोथ दी ऑप्शंस आर शॉर्ट रेंज डिवाइस. नाउ क्लोज सर्किट टेलीविजन CCTV भी यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये इट इज़ बेस्ड ऑन शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी वनली. कभी कभी वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू हैव अ CCTV नेटवर्क ओवर द सिटी, बट यूजुअली दे आर
short range device. If we compare it with the open circuit television, it is short range device. The answer is D. Now we will see the question number 37. Consider the following statements. Biofilms can form on medical implants within human tissue. A very humble statement. Yeah, possible. Biofilms can form on food and food processing surfaces. Again, can is used. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. Again, can is used. Most of the time, if there is a statement which is using this kind of humble approach, can, may, most of the time the statements, specifically if it is related to science and technology, it is correct. Most of the time, you can take a risk. So the answer here is D, 1, 2 and 3. Question number 38. Consider the following statements in respect of probiotics. Probiotics are made of both bacteria and yeast. Okay, we don't know. The organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut. Naturally do not occur in our gut. This is the statement where you should be thinking more if it is correct or not. The third statement is probiotics help in the digestion of milk sugars. Maybe a possibility. But here the statement which should raise your alarm is, if it is so important, then there is a chance that it may be there in our intestine. We know that there are millions of bacteria in our intestine, in our body. So probiotics can be also there in our human body. That is why you can eliminate the option. This second statement you can eliminate, and with the use of elimination of this second statement, you can eliminate two options, option B and option D, and you would be left with option A and C, and you have to choose one out of option A or C. Ya to aap A option choose karo, ya to aap C option choose karo. Theek hai. But ye bhi thoda logical hi lagta hai in the digestion of milk and sugar, but nahi pata to you cannot arrive at the correct answer. 50-50 mein rahoge, and there is a chance 50% sahi ho jayega, 50% hai ki nahi sahi hoga. Waise answer is C. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग एमआरएनए प्लेटफॉर्म. एमआरएनए इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करके. मैसेंजर आरएनए व्हाट इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इफ देयर इज सम फॉरेन मटेरियल. मैसेंजर आरएनए विल प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन. So it is an advanced technology, requires having a kind of a very less temperature. You would need to spend a lot of money in the in a country like India where there is high temperature. It could have incurred a huge cost, and at the cost which we were providing our vaccines, jis pe hum cost pe universal vaccination kar rahe the, it is not possible ki humne jo ye Covishield use kiya tha, jab mRNA use ho. It was a viral vector vaccine. इस option से you could have arrived at the correct answer. ये chimpanzee में जो adenovirus होता, with the use of that Covishield was manufactured. Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform. It is correct. Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. This is also correct. But if you could have known that this is incorrect, you could have arrived easily at the correct answer. You don't need to know everything. सो दैट इज वाई आई से ना कि जो जानते हो अच्छे से जानो, अपना बेस मजबूत रखो. ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, और जो बेस है, फाउंडेशन है, वो सही नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है. तो जो जान रहे हो वो अच्छे से जानो ना, तभी आप नॉट करेक्ट लगा के भी करेक्ट पे. आप बहुत सारी चीजें पढ़ ली हो, रिविजन है नहीं, यू डोंट हैव कमांड ऑन द बेसिक्स, इट विल बी वेरी फैटल. आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे. देख के इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट. क्वेश्चन नंबर 40 सेज, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, हो सकता है. सेकेंड स्टेटमेंट, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटर रीजन. सुनामी इज हैपनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मान लिया, इफ इट इज अ फार फेस्ट थिंग. सोलर फ्लेयर से इट अफेक्ट्स द टेम्परेचर, इट अफेक्ट्स द एटमोसफेयर, सॉरी. बट सुनामी इज हैपनिंग एंड दैट टू ओनली एट इक्वेटर.
अब ऐसा कैसे कि मतलब स्पेसिफिक जगह पे ही होगा सोलर फ्लेयर आने से, इक्वेटर पे ही सुनामी आएगी। दिस स्टेटमेंट सीम्स वेरी रॉन्ग एंड दिस शुड रेज अलार्म कि अगर भाई सुनामी भी आनी है तो केवल इक्वेटर के आसपास भी थोड़ा तो आ सकती है ना। वाई एट दैट प्रिसाइज लोकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुनामी आना इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, वेरी एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट। थर्ड इज पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड। यस, कुड बी डैमेज्ड। सोलर फ्लेयर्स आएंगे तो पावर ग्रिड, स्पेस, इन सब में तो जो है इट वुड अफेक्ट। इंटेंस अरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब्ड, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। नथिंग, यू जस्ट नीडेड टू एलिमिनेट द सेकेंड ऑप्शन बाय मेकिंग दिस रॉन्ग। यू दिस स्टेटमेंट, दिस ऑप्शन विल बी ऑल्सो एलिमिनेटेड, this option will be also eliminated, this option will be also eliminated, and you will arrive at the option C. You don't need to know everything. That's what I am telling since the beginning. The one who will be greedy and who will try to be master of everything will fail in this exam. Climate Action Tracker, which monitors the emission reduction pledges of different countries, isme direct elimination nahi lag raha, theek hai? बट ठीक है, मैं अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करता तो मेरा एक लॉजिक था, आप लोग हो सकता है कि इससे इत्तेफाक ना रखो। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ट्रैकर से मुझे लगा ऑप्शन में देखिए क्या है। डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी कहता है कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन डी कहता है एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। अभी एजेंसी तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ऐसा नाम तो एजेंसी का होता भी नहीं है, ठीक है? ये इतना तो आपको होना चाहिए, और यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक मिलकर ये बनाएंगे तो हटाओ। एक्शन ट्रैकर है तो डेटाबेस जो है, डेटाबेस है, किसी चीज को ट्रैक करना तो उसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ट्रैक जीडीपी, यू विल हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ जीडीपी, 10 ईयर्स का क्या जीडीपी है। तो ये डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लग रहा है, एक सेटिस्फाई कर रहा है इस वर्ड को। विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी कुछ बहुत फार फेस्ट, बड़े बड़े स्टेटमेंट है। ऐसा क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर नाम है, ये विंग है कोई इस चीज़ का, तो वैसा लगता नहीं है। बट आप लोग इतफाक करो ना करो, बट मैं ये लॉजिक लगा के इस ऑप्शन पे अराइव कर जाता। वी हैव टू टेक रिस्क। 42 में कोई सच एलिमिनेशन नहीं लग रहा। एक फैक्ट अगर आपको पता होता, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटेरिएट टू द अंडर टू कोएलिशन, ये गलत है, तो आप जो करेक्ट आंसर बी पे आ सकते थे, बट स्ट्रेट अवे कोई खास एलिमिनेशन में लग नहीं रहा। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 43। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन इज इट्स किडनी। Which one of the following functions of wetland best reflects the above statement? Best is the keyword. अब कर तो सब सकते हैं, best reflect क्या मतलब होता है, जो satisfy करे best। Lungs का काम होता है to purify air, kidney काम होता है water को purify करना, ठीक है? तो अब इस हिसाब से देखो, पहला the water cycle in wetland involves surface runoff, subsoil percolation and evaporation। कुछ ऐसा cleaning of water, कुछ ऐसा कुछ आ नहीं रहा, filtration of water। एलगी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश मॉल्स, पता नहीं इतना प्रोनंशिएट करने में भी इतना डिफिकल्ट है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव। ये भी इसमें कुछ किडनी वाली बात तो है नहीं। सी वेटलैंड्स प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबिलाईजेशन, थोड़ा थोड़ा जम रहा है, बट बेस्ट इज द कीवर्ड हियर। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। यहाँ तो वाटर फिल्ट्रेशन आ गया ना, हैवी मेटल को इसने फिल्टर कर दिया पानी से, जैसे ही उसने ऑब्जर्व किया, एक पॉल्यूटेंट होता है, बस हो गया। यहां से ये किडनी का जो वर्ड है ये सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रैप है ये। ट्रैप कैसे है वो वैसे जितनी भी वीडियोस में आपने सुना, फैक्ट है तो गलत होगा। दिस मैं देखो ऐसा कोई बहुत कमी वनली में कैन टेक्नोलॉजी में उसमें भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सली आपको बोल रहा हूँ, तो ऐसा मैं यूनिवर्सल अप्रोच नहीं, लॉजिकल कॉमन सेंस लगा के अप्रोच जो चलता है। वैसे अगर अब यूनिवर्सल मेथड ना, मेरे पास 20-22 ऐसे मेथड जो फेल होते रहते हैं, फिर यू विल कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल, यू विल अब्यूज मी, यू विल कर्स मी। आई डोंट वांट ऑल ऑफ दिस, आई वांट सम थिंग विच कैन बी अप्लाइड इन एनी पेपर। ये यूपीएससी नहीं, इवन यूपीएससी के अलग एग्जामिनेशन, ईपीएफओ, सीडीएस, एनडीए,
you name it, you can apply everywhere this kind of approach. UPPCS, common sense works everywhere. Even in the factual paper, common sense works. So, in the context of WHO air quality guidelines, consider the following statements. The 24-hour mean of PM2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean of ये भी जो भी है मतलब ये जो fact है इसमें. और अगर आपने वो देख रखे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने अपना business खड़ा किया इस पे, तो ये गलत हो जाएगा आपका जो आंसर है. In a year, the highest level of ozone pollution occur during the period of inclement weather. When you are not able to comprehend now what is meaning of inclement, अगर आपको हिंदी पता है, just go and see कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है, तो प्रतिकूल मौसम है, ताकि to comprehend. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the blood stream. This is the statement which should raise alarm. There are two kind of pollutant. One is PM2.5, one is PM10. PM2.5 are smaller and they can reach even to the lungs tract. But PM10 is less dangerous because it cannot enter into the bloodstream into the lungs. And that is why this third statement is wrong. And if you will make this third statement wrong, option A will be eliminated, C will be eliminated. Okay, and you will be left with either option B or option D. And now the statement 4 says excessive ozone in the air can trigger asthma. Yes, ozone is a kind of pollutant. Asthmatic लोगों को तो कुछ भी तरह का pollutant होता है, उसे trigger हो जाता है. So ये जो fourth statement, अगर आपको choose करना है second और fourth में, तो you will choose fourth. इससे आप option B पे arrive करोगे, and this is the correct answer. अब आ जाओ, with reference to Gucci, sometimes mentioned in the news, consider the following statement. This question is inspired from Instagram post and the post of Prime Minister Narendra Modi. He used to like mushrooms a lot, and probably the examiner was inspired from these two things, either from the Instagram or from the Narendra Modi, our Prime Minister. So the first statement says it is a fungus. Yes, after all, what is mushroom? Mushroom is a fungus that we know since 6th, 7th, 8th class. This is the basic science. This is correct. And if it is not, if you don't know, then you have to like correct your basics. Either you are from a humanities background, then I cannot say. You may not like science from 6th, 7th, 8th class only. That's why you wanted to study history, geography, because your inclination was there. And there is nothing wrong in that. So, pehla statement, first statement to sahi hai hi. So, isse hi aap A or C pe aa jate ho. It is grown in some Himalayan forest area. Some. ठीक है, यहाँ भी Himalayan है. ठीक है, तो Himalayan तो है, तभी ये बार बार ये Himalaya पे ही आ रहे हैं. Some Himalayan forest area. ठीक है, अब ये भी आपका जो है वो सही है. ठीक है, some है, थोड़ा सा humble approach है, तो usually ये सही होता. Himalayan दो बार लिखा देनी, Himalaya में तो होता ही होगा. थर्ड, इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. अगर इतना कमर्शियली कल्टीवेट होता, मैं और आप भी गुच्ची खा रहे होते. ठीक है, इट इज वेरी हार्ड टू, ये कॉनिफरस में जाके होता है, एंड इट इज वेरी हार्ड. दैट इज वाई ना बिग बिग नेम्स, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फेमस, वो सब इस पे पोस्ट डालते हैं. ठीक है, ये हमारे और आपके बजट में है नहीं. सी इज द करेक्ट आंसर. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 पे. विद रेफरेंस टू पॉलीथाइलीन टेट्राथैलेट, पता नहीं, दिस बायोलॉजी आई यूज टू हेट जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम्स. ये तो खैर केमिस्ट्री है. द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आर डेली लाइव्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये ना वाइड स्प्रेड इन आर डेली लाइव्स, अब डेली लाइव्स तो इट वुड नॉट बी समथिंग वेरी टॉक्सिक, ये बहुत कुछ ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ये कीवर्ड है, आप ध्यान से पढ़ना. इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज. कैन, ठीक है, इट कैन बी राइट. कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस आर हाईली कंसंट्रेटेड थिंग. तो ये सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस को रख ले, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सेजरेटेड सेंटेंस, एक्सट्रीम है ये. वरना तो फिर वो ही पॉलीथाइलिन में ही वो एल्कोहल दे दिया जाता, वाई दे आर यूजिंग ग्लास, रिएक्ट हो जाएगा वो.
इसलिए ये, और एनी अल्कोहलिक कुछ तो चलो हो भी जाए एनी, तो ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। अगर आप सेकंड को गलत करोगे ना तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट है, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, कैन बी, चलो ठीक है, इट कैन बी राइट। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन, चलो सही है, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हाउ इट इज पॉसिबल? देर इज समथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलीथाइलीन एंड यू आर डूइंग इंसिनरेशन एंड देर इज नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन। दिस स्टेटमेंट इज अगेन एक्सजरेटेड एंड लॉजिकली रॉन्ग। अब इन दोनों का अगर आप एलिमिनेट करोगे तो सी भी गया एंड बस वन एंड थ्री बचा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। प्रीवियस ईयर क्यों कहता हूं मैं, करने गोल्डन मैसीर जो है ये पहले भी आया हुआ, फिश उठा के इन्होंने दे दिया, ये फिश है बर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ठीक है, अल्फाल्फा, अमरनाथ, चिकपी, क्लोवर, पुशलेन, स्पाइनेच। स्पाइनेच, स्पाइनेच नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, सोचो थोड़ा, स्पाइनेच नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है क्या ये? मतलब अगर ये आपको पता है ना, और मुझे लगता है ये 90% लोगों को पता होगा, तो अगर ये पता है ना, विद द यूज ऑफ दिस यू कुड हैव एलिमिनेटेड बी सी डी, आ गया आंसर विद वन इंफॉर्मेशन। तो एक एक चीज से ही आंसर पूरा आ रहा है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी इजी था, कोरल रीफ्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं है। मियावाकी मेथड हिंदू में दो बार आया, इंडियन एक्सप्रेस में आया, ठीक है, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। दीज वर इजी क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड रिजर्व्ड का क्या मतलब? रिजर्व्ड का मतलब मोर कंट्रोल, कीपिंग विद योर सेल्फ, ब्रिटिशर्स का मोर कंट्रोल जहां पे है, वो हो गया रिजर्व। ट्रांसफर्ड है जिसमें कि दे आर गिविंग सम काइंड ऑफ स्कोप फॉर द लोकल पीपल एज वेल, ठीक है, जहां पे वाइसराय का जो गवर्नर जनरल उसका कंट्रोल कम है। अब खुद पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। यार पुलिस तो वो रखेंगे ना अपने पास, पुलिस तो रखना, ये लैंड रेवेन्यू कैसे दे विल गिव इट टू सम अदर पर्सन, अपने पास रिजर्व रखेंगे। तो रिजर्व में 3/4 तो होगा ही होगा ना, 3/4 जब होगा, जो इसमें 3/4 है साथ नहीं है, इसमें 3/4 नहीं है। नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास दे वुड गिव इट टू यू 1919 एक्ट में, बट ऐसे भी उनपे लिस्ट तो अभी भी दे आर जस्ट डूइंग नॉट एनफ, उनको कुछ ज्यादा पावर है नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट दे विल कीप इट विद देमसेल्व्स। बस आंसर आ गया सी, एग्जैक्टली, यू हैव टू, यू डोंट हैव टू क्रैम, क्रैम करोगे लॉजिक मरेगा, यू विल नॉट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। इसमें देखिए, आई हैव अप्लाइड सम लॉजिक, बट मैं नहीं कह रहा कि ये आप लॉजिक लगाओ। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू, फनम इतना मतलब इट सीम्स वेरी सॉफ्ट वर्ड, फनम, फनम वेपन तो नहीं होगा, फनम बंदूक चलाई, फनम गोला मारा, नहीं, फनम तो वैसा मतलब इतना साउंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जो मैं अगर होता तो ऑप्शन बी या सी में से, या तो क्वाइन होगा या ऑर्नामेंट होगा, क्लोथिंग भी नहीं है, वेपन भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी बोल के कैसा लग रहा है। देखिए लैंग्वेज में ना चीज़ें होती हैं, मतलब जो वर्ड हम बनाते हैं उसमें एसेंस भी वैसा नहीं। बारूद, ऐसा बारूद नाम देखिए कितना हैवी नाम है, बम, ठीक है, कुछ ऐसा सॉफ्ट नाम थोड़ी बनाते हैं। तो थोड़ा ये लॉजिक भी लग सकता है, इसमें लॉजिक नहीं है, ये तो प्योर एंड प्योर यू वुड हैव टू नो इट कि कौन किसे एसोसिएटेड था। जोगेशन चटर्जी, वरिंद्र कुमार घोष, गदर पार्टी, कोई लेना देना नहीं है, रास बिहारी बोस का लेना देना है, ठीक है, इसमें कोई वो है नहीं। 54 में जो है ये भी, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोविंशियल असेंबली में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेशन, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी हुआ, यही क्रिप्स मिशन में भी दिया हुआ था, ठीक है, और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का था इसमें दिया हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, देन वी विल एंड द वीडियो। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट टेक्स्ट, नेटी पकड़ना, ठीक है, वशिष्ठ प्रवन, ठीक है, अवदन्न शस्तका, ठीक है, त्रिषष्टि लक्षणा महापुराणा,
ठीक है, अब देखो इसमें हमें पूछा जेएन टेक्स्ट। अब एक ना मैं आपको लॉजिक देता हूं, ये ऐसे जो खतरनाक खतरनाक ना ऐसे अजीब अजीब पकड़ना तकरना अजीब से मतलब हितरवादी ना ऐसे जो ना एकदम हार्ड टू प्रोनाउंस वर्ड्स होते हैं, दीज आर जनरली रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म के नहीं होते हैं। अब वो पाली लैंग्वेज में ना ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे एंड दे आर जनरली रिलेटेड टू पाली में लिखे हुए थे तो बुद्धिस्ट होते हैं ज्यादातर। वशिष्ठ प्रवन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन टेक्स्ट, ये कंपाइलेशन में भी दिया है, इसीलिए बेयर मिनिमम करो, मोस्ट फेमस पता होंगे तो आप जो आप आंसर पे अराइव कर सकते हैं, ठीक है। महापुराण पुराण वगैरह भी ये सब जैन में ना जैनिज्म और हिंदुइज्म का फिर धीरे धीरे थोड़ा टच रहा, ठीक है, बुद्धिज्म तो एकदम अलग हो गया। तो आपको ये लॉजिक आप लगाना है, ऐसा ही ऐसे जो खतरनाक खतरनाक वर्ड्स होते हैं ना ज्यादातर बुद्धिस्ट के होते हैं, जैनिज्म के नहीं होते हैं, तो इन दोनों लॉजिक से ऑप्शन बी आ जाएगा। अब देखिए इफ यू आर मिसिंग दीज वीडियोज यू आर मिसिंग एट योर ओन रिस्क, रीडिंग मोर एंड मोर कंटेंट विल नॉट मेक यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। अगर आप ये वीडियोज मिस कर रहे हो, आप ये अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हैं, इट विल बी वेरी वेरी हार्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन नॉलेज, कितना क्रैम कर लोगे। इफ यू आर रीडिंग 12 आवर्स, ह्यूमन माइंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी, वो कुछ नया इन्फॉर्मेशन डालोगे पुराना डिलीट कर देगा, ह्यूमन माइंड वर्क लाइक दिस। तो कैपेसिटी उतनी है नहीं, ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन है, तो लॉजिक को जिंदा नहीं रखोगे, फैक्ट सारे याद रहेंगे नहीं, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। और वो ऐसे यूनिवर्सल मेथड निकालोगे फिर यू विल कम एंड यू विल अब्यूज दैट मेंटर। अब उसका फ्यूचर दाव में नहीं है ना, बट आई एम वेरी इम्पेथेटिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज आई माई सेल्फ हैव सीन सो मैनी थिंग्स, आई केम सो येट सो क्लोज येट सो फार, आई हैव सीन एवरी थिंग इन दिस एग्जामिनेशन, आई हैव हसल्ड, आई हैव गेन्ड थ्रू हसलिंग, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, सो आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू फेस दिस सेम थिंग, दिस इज दिस द सोल रीजन फॉर विच आई एम मेकिंग दिस वीडियोज और ये चैनल चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियोज देखते रहिए और सीखते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।